हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एडमायर में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बोर्ड फिटिंग अभिक्रिया। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे बनती है, ठीक है। तो आपको लेनी है क्लोरोबेंजीन, यह है क्लोरोबेंजीन अर्थात हैलो एरीन। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन आपको ले लेना है प्लस आपको सोडियम धातु लेना है, ठीक है ना, और कोई एल्किल हैलाइड ले लेना है, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड यानी के CH3Cl, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन इसका एक और नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। और यह जो क्रिया होगी वह शुष्क ईथर है ना कि प्रेजेंस में कराई जाएगी, ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बनता हमारा है, इधर देखो क्या होता है, ये जो हमारा एल्किल समूह है अर्थात हमारा मेथिल समूह, यह क्लोरोबेंजीन के जो हैलोजन समूह है अर्थात क्लोरो, ठीक है ना, इसको यहां से विस्थापित कर देगा, है ना। और यहां सीस्त्री हमारा कहां लगा, कहां जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन के क्लोरो समूह को विस्थापित करने के बाद में तो यहां पर स्वयं प्रतिस्थापित हो जाएगा, स्वयं स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे माना जाएगा CH3, ठीक है, इसके स्थान पे ये बन जाता है टालुइन। क्या बनता है, ये टालुइन बनता है, ठीक है ना, प्लस Na और Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहां देखो Cl कितने हमारे पास हैं, एक और दो Cl हमारे पास हैं, यहां हमारे पास अकेला Cl है, ठीक है ना। तो करते हैं दो से मल्टीप्लाई, दो Cl हो गए हैं, एक और दो, दस Cl हमारे पास हैं, दो Na हो गए हैं, यहां Na हमारा अकेला है, तो दो से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो टालुइन की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहेंगे बुर्ज फिटिग अभिक्रिया, है ना। या हम यूं कह सकते हैं कि जब हम किसी हैलो एरिन की क्रिया सोडियम की प्रेजेंस में कोई एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो टालुइन की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहेंगे बुर्ज फिटिग अभिक्रिया, है ना। यह जो रिएक्शन है हमारी वह शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, ठीक है। देख लीजिए एक बार,